हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के इस सेशन में कम्युनिकेशन इन एनिमल्स। आज का सेशन है हमारा कि एनिमल्स के बीच में भला कैसे कम्युनिकेशन होता है। हम आपस में बातचीत करते हैं, हमारे पास कम्युनिकेशन के कई सारे माध्यम हैं, जैसे कि एक भाषा का माध्यम है। इसके अलावा इशारों वाली लैंग्वेज भी डेवलप करी है इंसानों ने, जिसमें इशारों से भी बातचीत हो जाती है, या फिर वर्बल नॉड, है ना। किसी ने कोई प्रश्न पूछा, आपको यस कहना है, तो आपने यस या नो ना कह करके सर हिला दिया अफर्मेशन में, कंफर्मेशन में, तो वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन हो गया। इसी तरह से एनिमल्स में भी कम्युनिकेशन के बड़े सारे माध्यम हैं, उन सबको समझना है और हम समझेंगे एनिमल बिहेवियर के बारे में। इनफैक्ट हम ये भी समझेंगे कि इवोल्यूशनरी सीक्वेंस में वो सारे के सारे जो कम्युनिकेशन प्रोसेसेस लोअर ऑर्गेनिजम्स ने डेवलप किए, वो किस तरह से हायर ऑर्गेनिजम्स में रिफ्लेक्ट होते हैं। या हम यूं कहें कि यूं ही नहीं हमें बोलना आया होगा, बहुत से जीवों से हम कुछ ना कुछ सीख करके आए होंगे। क्यों? क्योंकि हम सब इवॉल्व हुए हैं बाकी सारे ऑर्गेनिज्म से, और सबसे नजदीकी रिश्तेदार तो हमारे यही है। ग्रेट एप्स जैसे कि ये चिंपैंजीज दीमक निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और दीमक को निकालने में ये दो चिंपैंजीज देख लीजिए आपस में किस तरह से कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं। कुछ कुछ आपको समझ में आ गया होगा इनके बारे में, है ना। चलिए बाकी जीव कैसे करते हैं कम्युनिकेशन आपस में, इसके बारे में जानते हैं। बड़ा ही रोचक टॉपिक है ये, क्योंकि आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में पता चलेगा जिनके बारे में आप आज तक अनभिज्ञ थे या आपको पता नहीं था। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जरूरी है कि कम्युनिकेशन है क्या, इसको समझें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का मतलब होता है ट्रांसमिशन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज। एक पर्टिकुलर प्रजाति के मेंबर्स के बीच में, जीवों के बीच में ट्रांसमिशन या एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, भाई किसी इंफॉर्मेशन का आदान या प्रदान। जैसे कुत्ता होता अपने किसी मालिक को देखता है तो पूंछ हिलाने लगता है, तो ये एक तरह से अफेक्शन शो कर रहा है अपने मालिक के प्रति, तो वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन ही हुआ, है ना। जैसे कई बार कुत्ते दांत दिखाते हैं, भेड़ियों में भी देखा जाता है, अग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं, ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। तो कुल मिलाकर के जितना स्पष्ट और क्लियर कम्युनिकेशन हम करते हैं, इतना स्पष्ट कम्युनिकेशन तो बाकी जीव नहीं करते। अच्छा, हमने देखिए भाषा डेवलप कर ली है, भाषा में अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, उनमें अलग अलग तरह से शब्दों का चयन है, अलग अलग चीज की मीनिंग है। अच्छा, कई बार किसी शब्द को एक से अधिक तरीके से भी कहा जा सकता है, कहने का टोन भी कई बार होता है अच्छा और बुरा, है ना। ये जो टोन वाली बात है बच्चों, इसको तो एनिमल पिक करते हैं। एग्रेसिव जब होते हैं एनिमल्स तो उनके टोन में थोड़ा सा हार्शनेस आ जाती है, और जब वो अफेक्शनेट होते हैं तो टोन में फर्क होता है। आपने डॉग्स में देखा होगा, आपने बिल्लियों में देखा होगा। भाई बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितना ऑब्जर्व करेंगे उतना ही ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी चीजों के बारे में, और ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो कम्युनिकेशन क्या चीज है? इट इज द मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज। जैसे ये देख लीजिए डॉग्स। अच्छा, हम कई बार अपने कार्टून्स में या अपनी कहानियों में ऐसा मान लेते हैं कि जीव या कोई एनिमल आपस में बातचीत करें, जबकि ऐसा होता नहीं है, है ना। तो वो हमने अपनी सहूलियत के लिए बना लिए। ये नहीं कि जैसे जंगल में मीटिंग हो रही है, शेर आया, हाथी आया, भेड़िया आया, और सबने अपनी अपनी बात रखी, तो ये सिर्फ हमारी कहानियों में पॉसिबल है, रियलिटी में ऐसे नहीं होता, ठीक है। अब ज्यादातर एनिमल सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और इंटरप्रेट कर सकते हैं किसी भी सिग्नल को। व्हाट इज दिस इंटरप्रेट? इंटरप्रेट का मतलब उसकी मीनिंग को समझ सकते हैं। जैसे कि अब ये देख लीजिए, ये लैम्ब, इसको एक डॉग दूध पिला रहा है, और इस लैम्ब को किसी तरह का डर नहीं लग रहा है, इसकी शायद माँ नहीं है, तो शुरू से जिस किसान ने इसको पाला हुआ है, जिस मतलब इसके जो मालिक ने इस डॉग को ये काम दे दिया, और डॉग बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो ज्यादातर एनिमल जो हायर एनिमल्स हैं वो सब सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और इंटरप्रेट कर सकते हैं मीनिंगफुल सिग्नल। अब ये सिग्नल कैसे कैसे हो सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, सबसे प्रमुख और सबसे अधिक यूज किए जाने वाले केमिकल सब्सटेंसेस ही होते हैं जिनको सिग्नल के रूप में यूज किया जाता है। तो केमिकल्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल्स। इसके अलावा टैक्टाइल सिग्नल्स होते हैं, टच का सिग्नल भी होता है। जैसे आपने, ये तो हमारे में भी होता है, जैसे आपने कोई अच्छा कार्य किया, आपके स्कूल के टीचर ने आपकी पीठ थपथपाई और कहा शाबाश बच्चे, तो ये टैक्टाइल एक तरह का सिग्नल है, यानी कि आपको शाबाशी मिल रही है और उस चीज को आप समझ रहे हैं। ये नहीं कि आप कहने लगे अरे सर क्यों कर रहे हो भैया, ऐसा तो नहीं कहेंगे।
विजुअल भी होता है जो हमें दिखता है, देख करके समझ में आता है, ऑडिटरी सुनाई देने वाला सिग्नल, इलेक्ट्रिकल भी होते हैं, जैसे किसी को किसी ने हाथ मिलाया तो बिजली का झटका लग गया, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे जरूर हैं और स्पेसिफिकली एक्वाटिक, जिनके अगर संपर्क में आप आ गए तो झटका लग सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो कब होता है कम्युनिकेशन? बच्चों कम्युनिकेशन का जो मेन प्रोसेस है एनिमल किंगडम में वो होता है रिप्रोडक्शन के टाइम पर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम्युनिकेशन का होना बहुत आवश्यक है, वो चाहे किसी सिग्नल के थ्रू हो, चाहे किसी केमिकल के थ्रू हो, किसी भी तरीके से हो, तो रिप्रोडक्शन के टाइम पर कम्युनिकेशन होना सबसे मेन होता है, यानी कि सबसे प्रमुख है। लेकिन जो सोशल एनिमल्स होते हैं बच्चों, उनमें डे टू डे यानी कि डेली लाइफ में भी इंटरेक्शंस होते हैं, जैसे कि ये मंकीज हो गए। अब मंकीज आपस में इंटरेक्ट करते हैं, प्ले करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, लड़ाइयां करते हैं, जो भी सोशल एनिमल्स होते हैं इनमें एवरी डे बेसिस पर होता है। हनी बीज सोशल इंसेक्ट है, उनमें भी कम्युनिकेशन होता है, चींटियों में कम्युनिकेशन होता है, इन सारे के सारे जीवों में कम्युनिकेशन देखने को हमें मिलते हैं अलग अलग तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। केमिकल सिग्नल, जैसा कि मैंने कहा सबसे प्रमुख है केमिकल सिग्नल, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल में यूज किए जाने वाले भी होते हैं केमिकल सिग्नल्स। दो तरह के होते हैं केमिकल सिग्नल्स, फेरोमोन्स एंड एलेलो केमिकल्स, ये दो तरह के सिग्नल्स हैं कम्युनिकेशन। अब इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा। फेरोमोन्स जो हैं, जिस प्रजाति का जीव उसको उत्पन्न करेगा, उस केमिकल को बनाएगा, उसी प्रजाति का जीव उसको रिसीव करेगा, इसको फेरोमोन्स कहते हैं। अच्छा एलेलो केमिकल्स क्या होते हैं? एलेलो केमिकल्स वो केमिकल हैं जो एक प्रजाति का जीव कोई ना कोई प्रोड्यूस करेगा और उसका फायदा या नुकसान दूसरी प्रजाति को, फायदा या नुकसान दोनों हो सकता है। सेम गोज फॉर फेरोमोन, इसमें भी फायदा या नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो फेरोमोन एक ही स्पीशीज में यूज किए जाते हैं, जबकि एलेलो केमिकल दो स्पीशीज के बीच में यूज किए जाने वाले सिग्नल्स हैं। तो अब आप सोचेंगे दो अलग अलग स्पीशीज क्यों बातचीत करेंगे भला? क्यों भाई, खाना नहीं चाहिए क्या किसी को? और किसी को बचना नहीं है क्या? जैसे चूहे को बिल्ली की स्मेल पता चल जाती है, मिल जाती है उसको स्मेल, वो जान जाता है। कहीं पर भी लायन या टाइगर होता है तो बाकी जीवों को पता चल जाता है। तो ये दोनों तरह के केमिकल्स हैं। अब ये इंसेक्ट देख लीजिए, एयर में रिलीज कर रहा है केमिकल, ये फेरोमोन्स हैं, ये जो है अपनी ही प्रजाति के दूसरे ऑर्गेनिजम्स को मेल फीमेल के बीच में अट्रैक्शन का काम करते हैं फेरोमोन्स। तो फेरोमोन्स क्या है? These are chemicals released by an animal into the environment for other members of the species. दूसरे members के लिए release किया जाता है. So they are detected by smell or taste. या तो smell से detect किए जाएंगे या taste से detect किए जाते हैं. Air में से pick कर लिए जाते हैं chemicals. जैसे कि मान लीजिए ये चींटियां. चींटियां क्या करती हैं? जिस रास्ते जाती हैं और या खाना जहां होता है, वो जब एक बार उस रास्ते को ढूंढ लेती हैं तो वहां पर कुछ केमिकल्स छोड़ते चलते हैं पाथ में, रास्ते में, ताकि बाकी चींटियों को उस केमिकल के बारे में पता चल जाए, उनको रास्ता पता चल जाए। तो फॉरेजिंग एंट्स लीव केमिकल अलोंग देयर पाथ फॉर अदर वर्कर्स ऑफ द कॉलोनी टू फाइंड देयर वे टू द फूड एंड बैक होम आफ्टर गैदरिंग द फूड, जा करके खाना कलेक्ट करके वापस उसी रास्ते से आ सके। तो ये देख लीजिए कितना ब्यूटीफुल कम्युनिकेशन सिग्नल है, है ना, केमिकल सिग्नल के द्वारा कम्युनिकेशन हो रहा है एंट्स में। सिल्क मॉथ की बात करते हैं, तो सिल्क मॉथ की फीमेल एक केमिकल रिलीज करती है जिसको सेक्स अट्रैक्टेंट भी कहा जाता है, बॉम्बाई कॉल के नाम से। तो ये बॉम्बाई कॉल जो है बड़े काम का होता है। सो दिस इज अ सेक्स अट्रैक्टेंट फीमेल्स प्रोड्यूस करती है टू अट्रैक्ट द मेल मॉथ फ्रॉम सेवरल किलोमीटर डिस्टेंस डाउन विंड, यानी कि मान लीजिए हवा इधर से इधर को ब्लो कर रही है, इधर से इधर को ब्लो कर रही है, तो ये हवा के रुख को पहचान जाती है। यहां पर अगर इसने रिलीज किया केमिकल तो हवा इधर जा रही, तो केमिकल भी इधर जाएगा, कई किलोमीटर तक जाता है। और वहां पर अगर डाउन विंड कोई भी मेल होगा तो उसको पता चल जाएगा और वो आ जाएगा वापस। तो इस तरह की चीजें भी देखने को मिलती है। बॉम्बई कॉल नाम याद रखिएगा, ये आपके सिलेबस का भी हिस्सा है, तो बॉम्बई कॉल को याद रखिएगा। इसमें आज के टॉपिक में जितनी चीजें हम ये डिस्कस कर रहे हैं ये सब आपके सिलेबस का हिस्सा है इन अ वे और द अदर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा फीमेल डॉग, फीमेल डॉग जब हीट पीरियड में होती है, डॉग्स क्या है कि बच्चे इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल ना होकर के ओस्ट्रस साइकिल होता है, नॉन प्राइमेट जो है, यानी कि सीजनल ब्रीडर्स हैं। तो जब ये हीट पीरियड में होते हैं तो फीमेल डॉग रिलीजेस अ सेक्स अट्रैक्टेंट दैट ब्रिंग्स मेल डॉग्स टू हर फ्रॉम अ कंसिडरेबल डिस्टेंस।
अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर डिस्टेंस तक जो मेल डॉग्स होते हैं वो इस सिग्नल को परसीव कर लेते हैं एंड दे रीच आउट टू द फीमेल्स. ब्रीडिंग सीजन में आपने देखा होगा कि फीमेल्स आर बीइंग फॉलोड बाय फीमेल डॉग्स बीइंग फॉलोड बाय सो मेनी मेल डॉग्स. मेटिंग प्रोसेस में ये होता है. क्वीन बी की बात करते हैं. हनी बी में जो क्वीन बी होती है बच्चों, क्वीन बी नहीं चाहती है कि उस हनी कॉम्ब में कोई दूसरी क्वीन आए, तो इस वजह से वो एंटी क्वीन सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है और एंटी क्वीन सब्सटेंस को रिलीज करती है विच चेक्स द वर्कर फ्रॉम बिल्डिंग रॉयल सेल फॉर न्यू क्वीन. जो वर्कर्स होंगे वो रॉयल सेल्स नहीं बना पाएंगे इस एंटी क्वीन सब्सटेंस की वजह से. एंटी क्वीन सब्सटेंस अगर ना होता तो वो बना लेते. अच्छा, कई बार क्या होता है जब हनीकॉम बहुत बड़ा हो जाता है तो ये जो क्वीन बी है, क्वीन बी बहुत ज्यादा मूव नहीं करती, उसके अंदर एग लेइंग का ही इसका मेन काम होता है. इसको कई बार जो एंटी क्वीन सब्सटेंस जिसने बनाया वो बहुत दूर तक पहुंच ही नहीं पाता हनीकॉम में, तो तब बारी आती है न्यू रॉयल सेल्स के फॉर्मेशन की. रॉयल जेली फीड करी जाती है, वर्कर्स ही करती है, स्टेराइल फीमेल्स जो होती है, और फिर एक नई क्वीन बन जाती है. जब नई क्वीन बनती है तो या तो पुरानी क्वीन या नई क्वीन, दोनों में से किसी एक को वो जो अपना कॉलोनी है वो छोड़ना पड़ता है. और वो फिर क्या करती है कि जो क्वींस हैं ड्रोन्स के साथ न्यूपशियल फ्लाइट पर निकल जाती है. न्यूपशियल फ्लाइट का मतलब होता है मेटिंग वाली जो फ्लाइट होती है. ड्रोन्स यानी कि मेल्स, वो जब फीमेल के साथ मेटिंग कर लेते हैं तो फिर उसके बाद उनकी हो जाती है डेथ. इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं. तो चलिए, यहां पर मुझे यह बताना था कि केमिकल सिग्नल एंटी क्वीन भी प्रोड्यूस होता है जो कि क्वीन बी सिक्रीट करती है. अच्छा, इसके बाद बात करें मस्क डियर, कस्तूरी मृग यानी कि कस्तूरी वाला हिरण, सिवेट पाम कैट, इन बिल्लियों में एक तरह की दुर्गंध होती है जिसको डाइल्यूट करके परफ्यूम बना लिया जाता है. मस्क डियर में तो खैर वो खुशबू बड़ी अच्छी होती है मस्क की, है ना, कस्तूरी कहते हैं मस्क को. और सिवेट पाम कैट ये देख लीजिए ओडरस सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जिनसे परफ्यूम बनाई जाती है. अब ये केमिकल होते क्यों है, परफ्यूम बनाने के लिए थोड़े ही वो बनाते हैं. दे प्रोड्यूस दीज केमिकल्स टू मार्क द टेरिटरीज, अपने इलाके को मार्क करने के लिए, या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए इंडिविजुअल ऑफ अ हर्ड, अपनी झुंड के बाकी जानवरों को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर सेक्स अट्रैक्टेंट के रूप में यूज किए जाते हैं केमिकल ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन. तो कुल मिलाकर के ये एक ही प्रजाति को इफेक्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से ये फेरोमोन्स की कैटेगरी में आते हैं. अब बात करते हैं एलेलो केमिकल्स. ये क्या है, ये केमिकल्स रिलीज्ड बाय वन स्पीशीज एंड इफेक्ट अनदर स्पीशीज. ये दो तरह के होते हैं, मतलब किसी एक प्रजाति के द्वारा रिलीज किए जाते हैं केमिकल्स और इसको इफेक्ट दूसरी प्रजाति के साथ होता है. तो ये होते हैं दो तरह के, एलोमोन्स और काइरोमोन्स. एलोमोन्स और काइरोमोन्स दो तरह के होते हैं एलेलो केमिकल. चलिए इनको समझते हैं. तो एलोमोन्स क्या होते हैं, एलोमोन्स उनको फायदा देता है जो इसको प्रोड्यूस करता है, और काइरोमोन्स उनको फायदा देते हैं जो रिसीव करता है इस केमिकल. तो चलिए इसको भी समझते हैं डिटेल में. तो एलोमोन्स गिव एन एडाप्टिव एडवांटेज टू द ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रोड्यूसेस देम. अब ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो रेपेलेंट हो सकता है या अट्रैक्टेंट हो सकता है. अब ये किस काम में फायदा देंगे, चलिए आगे समझते हैं. रेपेलेंट, एक प्रजाति के द्वारा प्रोड्यूस किया गया केमिकल जो दूसरी प्रजाति के लिए बड़ा ही खतरनाक हो, घातक हो, परेशानी का कारक हो, जैसे कि ये स्कंक, ये नॉर्थ अमेरिकन मैमल स्कंक जो है, लोग इसको अपने घरों में पालते भी हैं, पेट के रूप में भी रखते हैं. इसके पास एनल ग्लैंड में दो छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं, एनल एरिया में दो छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं. अब इसको अगर किसी भी जानवर ने परेशान किया या इसका पीछा करने की कोशिश किया तो ये अपने एनल ग्लैंड से केमिकल को छोड़ते हैं. बड़ा ही खतरनाक ओडर होता है ये, मतलब इतनी ज्यादा बदबू छोड़ता है ये कि दूसरा जानवर जो है वो कई बार बेहोश होते होते बचता है. जो इनके मालिक होते हैं, जो इनको पालते हैं नॉर्थ अमेरिका में, वो भी बड़े सावधान रहते हैं कि इसको स्कंक को कहीं पर भी किसी तरह से डर ना दिखाया जाए, कुछ परेशान ना किया जाए. कई बार होता है कि अचानक से घर में कोई आ गया, डर गया और छोड़ दिया इसने, इसमें खतरनाक है रहना, मतलब आप रुक ही नहीं सकते वहां पर, ऐसी बदबूदार स्मेल ये छोड़ता है. रेपेलेंट का काम करता है ये, रेपेल करने का काम. अच्छा, कुछ अट्रैक्टेंट भी होते हैं. अट्रैक्टेंट जैसे कि फ्लावर में जो खुशबू होती है, भाई फ्लावर एक प्रजाति है, खुशबू बिखेर रहा है दूसरी प्रजाति को बुलाने के लिए, पॉलिनेटर. अच्छा, कई बार शिकार करने के लिए भी काम आता है. इंसेक्टिवोरस प्लांट जैसे कि ये सनड्यू ड्रोसीरा, ये केमिकल सिक्रीट करता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट, इंसेक्ट जैसे ही आया चिपक गया, ठीक है, तो ये अट्रैक्टेंट हो गए.
हमने देखा एलोमोन्स में अट्रैक्टेंट भी हैं और रिपल्शन वाले भी कारण हैं। नाउ काइरोमोन्स, काइरोमोन क्या करते हैं, ये अडाप्टिव एडवांटेज देते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को जो इस केमिकल सिग्नल को रिसीव कर ले जाए, जो केमिकल सिग्नल को रिसीव कर ले, जैसे कि चूहा, माउस कैन स्मेल द ओडर ऑफ अ कैट, है ना। इसी तरह से जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं, लायन हो गए, टाइगर हो गए, इनकी स्मेल को भी जानवर पहचान जाते हैं, तो ये कायरोमोन है अडाप्टिव एडवांटेज। अच्छा एक और चीज बताता हूं, कुछ जीव होते हैं जो अपने शिकार की स्मेल से उसको जान जाते हैं, जैसे कि शार्क, शार्क के बारे में आपने सुना होगा, स्कोलियोडॉन बड़ी खतरनाक होती है, तो स्कोलियोडॉन हो गई या कॉर्कोरोडॉन हो गई, ये जो शार्क की अलग अलग नस्लें हैं, ये अपने खाने की स्मेल को पहचान जाती है ना। या यूं कहें कई बार जैसे कि लायन को मिल जाए डियर की खुशबू, वैसे तो लायन और डियर में डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा ही होता है, लायन तो ज्यादातर विजुअल परसेप्शन के ऊपर ध्यान देते हैं डियर को पकड़ने के लिए, लेकिन शार्क बड़ी खतरनाक होती है। तो कुल मिलाकर के काइरोमोन क्या होते हैं, जो प्रोड्यूस करता है केमिकल उसको कोई फायदा नहीं है, दूसरे को फायदा है, या तो बचने के लिए या शिकार करने के लिए। नाउ अब बात करते हैं टैक्टाइल सिग्नल्स की। टैक्टाइल सिग्नल यानी कि टच के थ्रू इस तरह के जो कॉन्टैक्ट में आने वाले सिग्नल, मेनी मैसेजेस कैन बी कम्युनिकेटेड बाई वेरिंग द फ्रीक्वेंसी प्रेशर एंड ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट। कई बार फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई, प्रेशर बढ़ाया गया, या ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट, टैक्टाइल सिग्नल्स भी देखने को मिलते हैं एनिमल्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि कोई बंदर बैठा हुआ है और दूसरे बंदर ने उसको चिढ़ाने के लिए उसको थोड़ा सा ऐसे पोक कर दिया उंगली से, या ज्यादा जोर पोक कर रहा है तो उसको समझ में आ जाता है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से भी समझ में आता है कितनी बार उसको किया गया या कितना प्रेशर दिया गया। अच्छा किसी को ऐसे हल्का सा पुश किया जाए, कोई जानवर एक दूसरे को पुश करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई दो जानवर चल रहे हैं, घास खा रहे हैं, एक दूसरे को पुश लगा कोई दिक्कत, लेकिन अगर कोई दूसरा जोर से धक्का दे तो वो समझ जाते हैं कि एक तरह का सिग्नल है, सीधी सी बात। और कितनी देर के लिए कॉन्टैक्ट होता है, ये टैक्टाइल सिग्नल के कैटेगरी में आते हैं। हालांकि ये जो बी डांस आप देख रहे हैं, इनको मोस्ट स्पेसिफिकली हम टैक्टाइल सिग्नल नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें कोई प्रेशर तो नहीं दिया जा रहा, एक हनी भी बस वो तो दिखा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कोर्टशिप बिहेवियर में और मेटिंग बिहेवियर में टैक्टाइल सिग्नल का बड़ा महत्व होता है, है ना। म्यूचुअल प्रीनिंग इन बर्ड, बर्ड्स जो है मेटिंग सीजन में जो इनके जोड़े होते हैं मेल फीमेल, ये प्रीनिंग करते हैं, एक दूसरे के पंखों को ये रगड़ते हैं। प्रीनिंग का मतलब है एक तरह का प्रीन ग्लैंड होता है इनके पास, जिसमें से ऑयली सब्सटेंस सिक्रीट होता है, उस सब्सटेंस को ये स्प्रेड करने में मदद करते हैं। ठीक है, या ग्रूमिंग इन द प्राइमेट, हमने मंकीज में देखा है कई बार कि मंकीज जो है अपना जब वो मेल फीमेल पेयर में रहते हैं तो वो ग्रूमिंग करते हैं एक दूसरे की, सहलाएंगे या इस तरह करेंगे, या नहीं कुछ है तो स्किन में जो माइट्स या टिक्स हैं या लाइस है, जू कहते हैं जिसको, उनको निकालते रहते हैं, तो इस तरह की चीजें टैक्टाइल सिग्नल के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं विजुअल सिग्नल, जो दिखाई देता है, जैसे कि हमने देखा कि बी डांस में भी। नाउ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स इंडिकेट सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, जैसे कि मेन इन अ लायन, लायन की जो बड़े बड़े मेन्स होते हैं वो लायन में, मेल लायन में टेस्टोस्टेरोन की अधिकता की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, ये आपको पता होगा। और अगर लायन थोड़ा सा एल्डरली हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, तो मेन भी कम हो जाती है उसकी। ठीक है, व्हाइट रंप देखने को मिलता है एंटीलॉप में, एंटीलॉप में जो रंप का पार्ट है, इनके बाहर पीछे का बटक्स का पार्ट है वो व्हाइट कलर का होता है। अच्छा ब्रिलियंट प्लूमेज देखने को मिलता है पी फाउल में और फीजेंट में, पी फाउल में भी देखने को मिलता है, मयूर में, मोर जिसको कहते हैं, और फीजेंट एक बर्ड होती है, इनमें प्लूमेज होते हैं, बड़े कलरफुल प्लूमेज होते हैं और काफी ज्यादा बड़े लंबे चौड़े प्लूमेज देखने को मिलते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये प्लूमेज इंडिकेशन देते हैं, विजुअल सिग्नल देते हैं, ये भी एक तरह का सिग्नल ही तो है जिसको हम विजुअल सिग्नल के रूप में जानते हैं, विजुअल सिग्नल भी देखने को मिलते हैं। नाउ फायरफ्लाई जो है एमिट करती है लाइट टू अट्रैक्ट अ मेट, फायरफ्लाई जुगनू जिसको कहते हैं, जुगनू तो आपने देखा ही होगा, दे एमिट लाइट टू अट्रैक्ट अ मेट। सिमिलरली हनी बीज परफॉर्म डांस मूवमेंट टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ द फूड सोर्स, खाने के दिशा को बताने के लिए। देख लीजिए किस तरह से लूप में डांस करती हैं, तो एक लूप बनाएगा या दो लूप बनाएगा, इससे पता चलता है किस दिशा में जाना है, तो ये विजुअल सिग्नल हो गए। दूसरी हनी भी जो इनके डांस को देख रही होती है उसको आइडिया लग जाता है कि ये क्या इशारा
किया जा रहा है, भाई किधर जाना है, किस तरफ की तरफ इशारा हो रहा है, किस दिशा में फूड मिलेगा, सो डायरेक्शन ऑफ द फूड सोर्स। अच्छा, इनका जो डांस होता है वो सन के साथ भी होता है कि भाई दिशा बता देते हैं प्रॉपर कि सन की दिशा में है या सन से विपरीत है, इस तरह से ये गाइड करते हैं एक दूसरे को अपने मेंबर। डॉग्स एक्सप्रेस अ थ्रेट बाय शोइंग इट टीथ, कुत्ते जो है अपने दांत दिखा करके थ्रेट को एक्सप्रेस करते हैं जब ये डर जाते हैं या कुछ भी है, या रेजिंग द फर ऑन द बैक, ये अपने जो पीठ में आपने देखे होंगे डॉग्स के जो हेयर होते हैं उनको एकदम बिल्कुल रेज कर लेते हैं, जैसे गूस पिंपल वाला कंडीशन हो जाता है। ये सेम स्ट्रक्चर, ये अग्रेसिव बिहेवियर वुल्फ में भी देखने को मिलता है, भेड़िए जो होते हैं, क्योंकि वो भी डॉग के ही रिश्तेदार है। भाई वुल्फ और डॉग एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, इनफैक्ट जीनस भी सेम है, कैनिस लुपस फैमिलियरिस डॉग है और कैनिस लुपस है भेड़िया। तो भेड़ियों में भी जब ये गुस्सा हो जाते हैं तो दांत निकालते हैं, दांत दिखाते हैं और एक गुर्राहट सी आवाज निकालते हैं, है ना। तो ये क्या है, एक तो साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं और विजुअल सिग्नल भी। अब कहीं दूर जानवर दांत दिखा रहा है तो अब ये डॉग टॉक देख लीजिए, ये कोई डरा नहीं हुआ है, इसको कोई थ्रेट नहीं है, ये तो वैसे ही अपने मालिक को देख करके खुशी का इजहार कर रहा है, है ना। कैनाइन टीथ देख लीजिए, इसके बड़े बड़े कैनाइन टीथ है और इसके तो कुछ ज्यादा ही बड़े हैं, इसकी स्किन में भी फंस रहे हैं, जो इसका अपर जॉ का पार्ट है वहां पर आप देख लीजिए। तो ये सब बच्चों विजुअल सिग्नल की कैटेगरी में आ जाते हैं, डॉग कैन एक्सप्रेस थ्रेट बाय शोइंग इट्स टीथ। नाउ ऑडिटरी सिग्नल, ऑडिटरी सिग्नल सुनाई देने वाले सिग्नल, बहुत तरह के जीव मेटिंग कॉल्स करते हैं, जैसे क्रिकेट्स की बात करते हैं, है ना, क्रिकेट जो होते हैं चर्पिंग साउंड करते हैं, ये अपने फोर विंग को रब कर करके, झिंगुर जिसको कहते हैं मेल क्रिकेट, है ना, तो झिंगुरों की आवाज जिस जो झंझनाहट है झनकार है वो सुनाई देती है, मेटिंग कॉल है। सो दे प्रोड्यूस चर्पिंग साउंड बाय रबिंग देयर फोर विंग्स, अपनी विंग्स को आगे के जो पंख हैं उन आगे के पंखों को रगड़ करके ये आवाज निकालते हैं, बड़ा अनोखा है, देख लीजिए ऑडिटरी सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ये ऑडिटरी सिग्नल की कैटेगरी में आ गए जो सुनाई देने वाले सिग्नल। जैसे कि कुछ और होते हैं सिकैडिस, सिकैडिस भी एक कीड़ा होता है जो बहुत तेजी के साथ आवाज निकालता है, जैसे झिंगुर निकालते हैं वैसे ये भी निकालते हैं। तो मेल सिकैडा प्रोड्यूस अ कैरेक्टरिस्टिक लाउड सॉन्ग विद इट्स स्पेशल वाइब्रेटिंग प्लेट, मेल फ्रॉग प्रोड्यूस करते हैं लाउड क्रोक्स विद वोकल सैक्स, मेल जो फ्रॉग होते हैं मेटिंग सीजन पे बहुत तेजी के साथ वो भी आवाज निकालते हैं। तो ये सारे के सारे ऑडिटरी सिग्नल की श्रेणी में आ जाते हैं, यानी कि जो सुनाई देने वाले सिग्नल है उस कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। नाउ बर्ड्स एंड मैमल्स प्रोड्यूस साउंड टू एक्सप्रेस डिस्ट्रेस हंगर थ्रेट एंगर बिसाइड्स मेकिंग द मेटिंग कॉल, जो बर्ड्स हैं मैमल्स हैं ये भी बहुत तरह की कॉल्स निकालते हैं, डिस्ट्रेस कॉल, हंगर कॉल, भूख लगेगी तो जीव चिल्लाते हैं, कई बार कुत्ते और बिल्ली आवाज निकालते हैं, लोग कहते हैं कि उसको कुछ दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, उनको या तो ठंड लगेगी या भूख लगेगी, कोई खतरा मिलेगा या गुस्से में होंगे, तो ये अलग अलग तरह के कॉल्स को निकालते हैं और मेटिंग कॉल तो निकालते ही निकालते हैं एनिमल्स, ऑडिटरी सिग्नल में आ जाते हैं। नाउ क्रोज एंड सैंड पाइपर गिव अ कॉल ऑन सीइंग अ प्रीडेटर, कौओं को आपने देखा होगा, क्रो को अगर कोई प्रीडेटर दिखता है, कोई उल्लू दिख गया या कोई बाज दिख गया जिससे कौओं को खतरा है, या फिर सैंड पाइपर, सैंड पाइपर टिटहरी को कहते हैं, टिटहरी के भी आपने देखा होगा, टिटहरी ने कहीं अंडे दिए हुए हैं, अगर आसपास से कोई भी इंसान गुजरे तो वो टिटहरी जो है मेल फीमेल दोनों बड़ी तेजी के साथ चिल्लाने लगते हैं और इधर उधर उड़ते हैं ताकि वो अंडों के पास कोई पहुंचे नहीं। तो क्रोज और सैंड पाइपर बर्ड ये कॉल प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, कौए क्या करते हैं, गैदर कर लेते हैं, बहुत सारे क्रोज को गैदर कर लेते हैं, इससे इनको एक फायदा मिल जाता है, फायदा ये है कि खूब सारे क्रो गैदर हो गए, एक साथ चर्पिंग साउंड निकालेंगे, श्रीकिंग साउंड निकालेंगे, काव काव की धुन रट लगाएंगे, प्रीडेटर कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा किसको खाना है भाई, किधर वो भाग जाते हैं, ठीक है। नाउ मेल रेड डियर प्रोड्यूस रोरिंग साउंड टू विन द फीमेल फ्रॉम अदर डियर, जो जितना तेज लाउड साउंड इनमें प्रोड्यूस करता है तो वो फीमेल को उतना अच्छे से अट्रैक्ट करता है, तो ये भी ऑडिटरी सिग्नल है, ये तो ऑफकोर्स मेटिंग कॉल ही हुई। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल की, कई मछलियां जैसे कि इलेक्ट्रिक ईल इलेक्ट्रोफोरस और इलेक्ट्रिक रे जिसको टॉर्पीडो कहते हैं, इनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं बच्चों, अब ये तो बड़ा खतरनाक है, देख लीजिए बहुत तगड़ा झटका लग जाता है, ये देख लीजिए किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का जो है ट्रांसमिशन हो सकता है। तो बहुत सी फिशेज जैसे कि इलेक्ट्रिक ईल हो गई, इलेक्ट्रिक रे हो गए, इनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं और उन इलेक्ट्रिक ऑर्गन से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं।
इलेक्ट्रिक ऑर्गन करते क्या है, दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज टू वार्ड ऑफ द प्रीडेटर एंड टू स्टन द प्रे, प्रे को भी एकदम सुन्न कर देते हैं, जिसको खाना है भाई झटका लग गया उसको तो समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा, तो इस तरह की कहानी करते हैं। या किसी प्रीडेटर को दूर भगाने के लिए, अभी देख लीजिए क्रोकोडाइल, यहां तो खैर क्रोकोडाइल हेड है लेकिन अगर वाकई में रियल क्रोकोडाइल आ जाए कॉन्टैक्ट में आ गया तो लग गया उसको बिजली का झटका, अब उसकी समझ में तो आएगा नहीं करना क्या है। तो इस तरह की चीजें भी देखने को मिलती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी प्रोड्यूस होते हैं। तो बच्चों ये हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स हमारे और आपके जैसे बातचीत नहीं करते। आप सोच रहे होंगे कि मैं जाता किसी जंगल में तो कोई चिड़िया आवाज निकाल करके पूछेगी कैसे हो भाई, ऐसा तो नहीं है, है ना। ये कहानियों में जरूर हमने सुना कि कोई एक इंसान था जिसको जानवरों की आवाज समझने का हुनर था, चिड़ियों की आवाज समझने का हुनर था। बच्चों इनकी आवाजें लिमिटेड हैं और वो लिमिटेड तरह के सिग्नल्स को इंडिकेट करते हैं, इशारे भी लिमिटेड चीजों के लिए होते हैं उनके। तो उनको अगर आपने समझ लिया तो इसके बाद कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बखूबी से इन जानवरों की कम्युनिकेशन यानी कि वार्तालाप की जो बातचीत के तरीके हैं उसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये था हमारा सेशन इस टॉपिक के ऊपर। अब बात करते हैं बच्चों अपने अगले सेशंस के बारे में। बच्चों हमारी स्पेशल क्लासेस का जो शेड्यूल है वो आपके समक्ष है, देख लीजिए। मेरी स्पेशल क्लासेस आपको सुबह 10 बजे मिलेंगी मोस्ट ऑफ द टाइम, और इसके अलावा भी लेता हूँ स्पेशल क्लासेस, ऐसा नहीं है। आप मेरी प्रोफाइल में जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर सारी की सारी स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं, अब तक की जितनी स्पेशल क्लासेस है और जो नई स्पेशल क्लासेस है उनमें भी टेक पार्ट कर सकते हैं। अच्छा, स्पेशल क्लासेस आर अ वेरी गुड वे टू अंडरस्टैंड दिस अनअकैडमी लर्निंग ऐप। आप एक बार स्पेशल क्लासेस में आते हैं आपको पता चल जाता है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर कैसे होती है पढ़ाई, ठीक है। तो जरूरी है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है, इन क्लासेस को जरूर अटेंड करें, राइट। YouTube पर YouTube लाइव डेली स्केड्यूल मंडे टू सैटरडे, ये हमारा टाइम टेबल है और मैं आपके साथ आता हूँ शाम को 7 बजे एवरी डे एक्सेप्ट संडे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीन दिन क्लास 11th की बारी होती है, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तीन दिन होती है क्लास 12th की बारी, और बाकी सारे एजुकेटर्स के भी लेक्चर्स आप देख लीजिए सेशन। प्रीतिका मैम स्टार्ट करती है सुबह 11 बजे से, दीपक सर केमिस्ट्री, महेंद्र सर फिजिक्स, अनुगुप्ता सर फिजिक्स, सीप मैम जुआलॉजी, अनूप वशिष्ठ सर केमिस्ट्री, और फिर मैं आपको बॉटनी में कराता हूँ टॉपिक्स YouTube लाइव डेली स्केड्यूल पर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ने के लिए बच्चों बहुत जरूरी है कि आप टेलीग्राम ऐप को सबसे पहले करें इंस्टॉल। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, गो टू द ब्राउजर एंड टाइप livedaily.me/chat और आप जुड़ जाते हैं इस टेलीग्राम चैनल के साथ, ठीक है। livedaily.me/NEET ये एक और बेहतरीन फीचर जिसके थ्रू अब तक के जितने भी लेक्चर्स हमने लिए हैं YouTube पर उन सब की लिस्ट आपको मिल जाती है livedaily.me/NEET के साथ, और आप हमारे सारे प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। हम बात करते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की, जो कि कंट्री का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मिलती है यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस और वो भी कंट्री के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा। You can interact with us, live poll leaderboard, test series analysis और live doubt clearing session जैसे बेहतरीन feature आपको यहाँ पर मिलते हैं। Unacademy subscription पर आपको हमेशा first row में first bench वाला ही experience मिले। किसी institute में जाते हैं आप तो कभी बीच में बैठेंगे कभी पीछे बैठेंगे, लेकिन यहाँ पर आप हमेशा first row में हैं, first bencher हैं। Live classes मिलती हैं और बच्चों detailed learning मिलती है, पूरी की पूरी detail। अच्छा, दूसरी एक बड़ी बात, कभी कोई session miss हो गया घबराने की जरूरत नहीं, everything is recorded, सब recording में है, तो आप देख सकते हैं उस चीज को दोबारा, और आपके पास पूरी की पूरी democracy है, आप चाहे जितने educators के sessions को देख सकते हैं, multiple educator के sessions को देख सकते हैं for better understanding। कई बार कोई चीज नहीं समझ में आई किसी एजुकेटर की, तो आप उसी टॉपिक को किसी दूसरे एजुकेटर के भी पढ़ाने के तरीके से एक बार देख लीजिए, तो आपको और ज्यादा डिटेल में समझ में आ जाए। ये रहे हमारे ईयर लॉन्ग बैच कोर्सेज, इन कोर्सेज के साथ जुड़े अपनी तैयारी को और उम्दा करें। इसके अलावा एक 12 से 1 मेरा एक और सेशन चल रहा है, एक दिन 11th एक दिन 12th, जिसमें यानी कि कंप्लीट बायोलॉजी करा रहा। इवनिंग में तो आपको बैचेस में मैं बॉटनी कराता हुआ देखूंगा मेरे सारे सेशंस, और कंप्लीट बायोलॉजी का भी कोर्स है तो उसके साथ भी आप जुड़े। करना क्या है इसके लिए, वेरी सिंपल, गो टू प्ले स्टोर, प्ले स्टोर पर जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप को करिए इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद ऑप्शन आएगा प्लस का, नीट यूजी सिलेक्ट कर लीजिए,
प्लस सिलेक्टेड या नीट यूजी गेट सब्सक्रिप्शन और फिर ये विंडो। यहाँ अपनी जरूरत के हिसाब से बच्चों आपको सब्सक्रिप्शन चूज करना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो 24 मंथ का और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है ये सबसे अधिक कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि लॉन्गर ड्यूरेशन है और आप कंप्लीट ड्यूरेशन के लिए कवर्ड रहते हैं। इनफैक्ट जिन बच्चों को नीट 2021 फाइनल अटेम्प्ट देना है वो 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ भी जुड़ सकते हैं क्योंकि 6 महीने तो अभी है ही है नीट के एग्जामिनेशन। आपको मेरा सेशन पसंद आते हैं तो यूज कर सकते हैं आप मेरा कोड प्रदीप लाइव। इस कोड को यूज करते ही आप मेरे बैचेस के साथ जुड़ जाते हैं, हमारी पूरी की पूरी टीम के साथ जुड़ जाते हैं और इंडिया के सारे एजुकेटर्स जो नीट यूजी कैटेगरी पर अन अकेडमी पर अवेलेबल है उनके लेक्चर उन सब के लेक्चर्स के साथ जुड़ जाते हैं। तो कोड एक फायदे अनेक। अच्छा, इस कोड को आप अपने ब्रदर सिस्टर फ्रेंड्स कजन्स कोई भी अगर किसी और कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेना चाहे तो आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। ये अन अकेडमी पर हर एक कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है बच्चों, हम बात करते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बहुत ही उम्दा एक नया फीचर है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़ने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं कोड प्रदीप लाइव, इस पर भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसमें एडिशनल बेनिफिट क्या है, प्राइस थोड़ी सी अधिक है अगर आप देखें जो हमारे रेगुलर सब्सक्रिप्शन, तो रेगुलर सब्सक्रिप्शन पर जितनी चीजें मिलती वो तो यहाँ मिलेंगी मिलेंगी। उसके अलावा यू विल गेट अ पर्सनल कोच, यू विल बी असाइंड अ पर्सनल कोच, यू विल गेट थ्रू नीट यूजी वर्कशॉप, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी प्लानर और टेस्ट एनालिसिस जैसे बेहतरीन फीचर आपको यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, अनअकैडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब करना भी बहुत आवश्यक है, एक बड़े परिवार का हिस्सा बनिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। बच्चों बेल आइकन भी साथ साथ हिट कर दीजिए। इसके अलावा #NEETLiveDaily पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर कर दीजिए ताकि इस रेवोल्यूशन के बारे में कंट्री के हर एक बच्चे को पता चल सके। ठीक है, नाउ सो यू कैन क्रैक नीट यूजी विद इंडियाज बेस्ट एजुकेटर ऑन जस्ट नीट, नीट बॉयज, नीट टॉपर्स, नीट तेलुगु चैनल्स, ऑल आर आवर सिस्टर चैनल्स, सो टुगेदर लेट्स क्रैक इट। एंड फॉर ज्वाइनिंग विद अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन यूज कोड प्रदीप लाइव, आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, मेरी गाइडेंस में रहेंगे। My best wishes are always with you. So that's all for now, students. Bachcho, see you all again in the next session soon. Take care. Bye-bye.